नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए अपने दर्शक का पहला सवाल पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, कह रहे हैं सर 2 साल से मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ रह रही है और हम दोनों पति पत्नी की तरह एक साथ रह रहे हैं। हम दोनों में रिश्ता ही शादी करने के लिए बना था। पहले कहती थी शादी कर लेंगे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर रही है। सर हमने उसे बहुत प्यार किया है, सर हमने उसे बहुत प्यार किया है और इज्जत दी है, हमेशा अपनी पत्नी के रूप में देखा, एंड आई ऑलवेज सपोर्ट हर इन ऑल कंडीशंस। मेरे पास उसके हर किस्म के वीडियोस और फोटो है, कॉल रिकॉर्डिंग है, सो व्हाट आई कैन डू इन दिस कंडीशन, आई एम इन डिप्रेशन, सर प्लीज हेल्प मी एंड एडवाइस मी। देखिए सबसे पहली बात यह कि आप दोनों की सहमति थी, इसलिए आप दोनों साथ में रह रहे थे, पति पत्नी की तरह रह रहे थे। अब वो आपके साथ नहीं रह रही है, तो इनडायरेक्टली आप मेरे को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास उनके वीडियोस फोटोग्राफ्स हैं, तो आप साबित कर सकते हो कि वो मेरे साथ पति पत्नी की तरह रह रही थी और अब वो नहीं रहना चाहती है। मैं आपको यह बता दूं कि यदि आपने इन वीडियोस और फोटोग्राफ्स का कोई भी इस्तेमाल पब्लिकली किया, किसी को शेयर किया, किसी को दिखाया, तो यह कानूनन जुर्म है, कानूनन अपराध है। उनका जो आपकी गर्लफ्रेंड है, उनका पूरा यह अधिकार है कि वह निर्णय ले सकें कि वह आपके साथ शादी करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती हैं। आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि आपके साथ में किसी भी तरीके का वो जोर जबरदस्ती करके आप उनसे शादी कर लेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको ये लगता है कि आपके साथ उन्होंने आपको भरोसा दिलाया, साथ में रहने के लिए, शादी करने के लिए आपके भरोसे को तोड़ा गया है, तो आप इसके लिए पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। आप निश्चित रूप से स्वतंत्र है पुलिस कंप्लेन करने के लिए। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि वीडियोस फोटो का कभी भी गलत इस्तेमाल ना करें, बल्कि उसको डिलीट कर दें, क्योंकि उसको रखना भी एक तरीके से अपराध है। बहुत बहुत धन्यवाद।